प्राइमरीली दो टाइप्स के सोलर वाटर हीटर्स होते हैं। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे, सब कैटेगराइज करेंगे, तो इनकी काफ़ी सारी कैटेगरीज बन जाती हैं, लेकिन प्राइमरीली दो ही टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर वाले, जिसमें उनकी जो ट्यूब होती है, जिनके अंदर पानी कलेक्ट होता है, वो एक ट्यूब नहीं होती, एक फ्लैट प्लेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। दूसरे होते हैं ट्यूब कलेक्टर टाइप वाले, इनको बोलते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। तो इनमें आप देख सकते हैं ट्यूब्स होती हैं, और ऐसी काफ़ी सारी ट्यूब्स इसमें लगी होती हैं, जिनके अंदर पानी जाता है, और पानी जाने के बाद जो सूरज की रोशनी पड़ती है, उससे ये पानी सारा गर्म होता है। अब सवाल आ जाता है, इन दोनों में से बढ़िया कौन सा है? तो बढ़िया की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही बढ़िया माने जाते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये थोड़ा ठंडा एरिया, यहाँ पर टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे चला जाता है, और जो मुझे पानी चाहिए वो 60 डिग्री से भी ज़्यादा मैं गर्म करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर ही कंसिडर कीजिए। फॉर कंप्लीट video watch solar clap।